नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेहा की पाकशाला में। और आज हम बना रहे हैं कच्चे आम का खट्टा मीठा आम पापड़। एक व्यूवर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। काफी सारी जगहों पर आम पापड़ को अमावट भी कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 750 ग्राम कच्चे आम का पल्प निकाल कर लिया है और ये जो पल्प है ना, ये पूरा 500 ग्राम है। तो अभी ये पूरा कच्चा आम हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ ही में इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाकर गैस को ऑन करके हाई फ्लेम पे रखेंगे और कुकर में 2 सीटियां लगा लेंगे। 2 सीटियां आ चुकी हैं कुकर में, तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है तो अब हम कुकर को खोल लेते हैं और देखिए जो आम है वो बढ़िया से बॉयल हो गए हैं। तो अभी हम इस बॉयल किए हुए आम को मिक्सर जार में डालेंगे और आम को ठंडा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही गरम गरम पीस लेना है। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। कच्चे आम को अच्छे से ग्राइंड करके हमने उसकी प्योरी बना ली है, तो ये जो कच्चे आम की प्योरी है इसको हम छान लेंगे, जिससे कि जितना भी रेशा होगा ना इसमें वो पूरा निकल जाएगा। तो आम की प्योरी को हमने पूरा अच्छे से छान लिया है और ये जो रेशा था वो पूरा छन्नी में रह गया है और जो प्योरी है वो पूरी बोल में निकल आई है। तो अभी पैन में हम ये कच्चे आम की प्योरी को डाल देंगे और अभी गैस को ऑन नहीं करना है। अभी इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, जीरा पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, तीखी वाली लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून, यानी कि 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम, काला नमक 1/4 टीस्पून, सादा वाला जो सफेद नमक होता है ना वो डालेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चुटकी। पहले अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं आम की प्योरी में और अभी गैस को ऑन नहीं करेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम गैस को ऑन करके मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। आप देख ही सकते हैं कि ये जो मिक्सर है ये पहले से ही काफी गाढ़ा है, तो इसे हमें बहुत ज्यादा देर तक पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही पकाना है कि चीनी इसमें अच्छे से घुल जाए और चीनी से जो पानी छूटे वो पूरा इवेपोरेट हो जाए और जो हमने सारे मसाले इसमें डाले हैं ना उन सभी का बढ़िया सा फ्लेवर इसमें आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मिक्सर है ये पहले से काफी ज्यादा गाढ़ा हो गया है। तो चेक करने के लिए एक प्लेट पर हम थोड़ा सा मिक्सर डालेंगे और प्लेट को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी बह नहीं रहा है, बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रहा है और इसके किनारों पर भी, इसके एजेस पर भी आपको कहीं पे भी पानी नहीं नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि जो आम पापड़ का मिक्सर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब एक थाली ले लेंगे और घी से उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, किनारों को भी अच्छे से ग्रीस कर लें, क्योंकि थाली को जब हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ना तो जब आम पापड़ सूख जाएगा तो वो इसमें से अच्छे से निकल आएगा। तो थाली को ग्रीस करने के बाद अब हम आम पापड़ के पूरे मिक्सर को थाली में डालेंगे और अब इस मिक्सर को थाली में अच्छे से बढ़िया से फैला लेंगे। तो आम पापड़ के मिक्सर को हमने थाली में अच्छे से फैला लिया है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 2 दिन के लिए आप इसको धूप में सुखा लीजिए, और धूप नहीं आती है, अगर आपके यहाँ पे धूप की कोई सुविधा नहीं है, तो आप इसको 4 से 5 दिन के लिए पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। ये जो आम पापड़ है ना हमारा, ये अच्छे से सूख गया है। तो अभी इसको हम थाली में से निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितनी आसानी से थाली में से निकल रहा है। और इस पर जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी नजर आ रहा है ना, उसको मैं टिश्यू पेपर से हटा दे रही हूँ। तो अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। आम पापड़ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और जो इसका खट्टा मीठा स्वाद होता है ना वो तो और भी ज्यादा मजेदार लगता है। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, कोई ट्रिक नहीं है इसको बनाने के लिए।
बहुत ही इजीली ये बन करके तैयार हो जाता है। तो आम पापड़ को हमने पीसेस में इस तरीके से काट लिया है, तो कुछ पीसेस के मैं इस तरीके से रोल्स बना ले रही हूँ। ये जो रोल बनते हैं ना, ये बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करते हैं, वो एक नई चीज समझकर बड़े चाव से इसको खाते हैं। और जो बाकी का बचा हुआ आम पापड़ है ना, उसके हम पीसेस निकाल लेते हैं जैसे कि हमें मार्केट में मिलते हैं। तो अभी देखिए कितना बढ़िया आम पापड़ बना है, और जैसा आम पापड़ हमें मार्केट में मिलता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है देखने में। तो लीजिए, कच्चे आम का खट्टा मीठा आम पापड़ तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है, और खाने में बहुत ही मजेदार लगेगा। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कच्चे आम से बहुत ही बढ़िया आम पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं अपने घर पर। आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।